गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास। बच्चों आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश, और इंग्लिश में हम आज पढ़ेंगे साउंड ऑफ वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, एक साथ पढ़ेंगे। ओके, हमने इसको अलग अलग पढ़ा था, आज हम इसको एक साथ पढ़ेंगे। तो एक साथ पढ़ने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर पहले से ही ए ई आई ओ यू लिखा हुआ है, और इसमें आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में पहले आप कॉलम बना लेंगे। ओके, फिर कॉलम बनाने के बाद ए साउंड से जितने भी वर्ड आते हैं उसको लिखना है। तो मैंने क्या लिखा है, देखिए ए साउंड से क्या आता है, बी ए टी बैट, एम ए टी मैट, बी ए एन वेल, है ना। फिर ई साउंड से बी ई डी बैट, यहाँ पर का बैट मतलब बल्ला, है ना, बैट बॉल खेलते हैं ना, वो वाला बल्ला। और यहाँ पर बी ई डी बैट मतलब बिस्तर, है ना, बिस्तर है यहाँ पर उसका मतलब। आर ई डी रेड, एल ई जी लैड। आई साउंड का देखते हैं, बी आई जी बी, एफ आई जी पी, बी आई एन बीन। ओ साउंड का डी ओ जी डॉग, जे ओ बी जॉग, एल ओ टी लॉग। यू साउंड का सी यू बी कप, आर यू बी द, बी यू डी बर्ड, है ना। यहाँ पर ये बर्ड का मतलब होता है फूल में जो कली रहती है ना, उसको बोलते हैं बर्ड। रब मीन्स रगड़ना, कब मीन्स शेर का बच्चा, डॉग मीन्स कुत्ता, जॉब मीन्स नौकरी, लॉट मीन्स बहुत ज्यादा, है ना, बी मीन्स बड़ा। तो ऐसा मैंने यहाँ पर पूरे साउंड का थ्री एग्जाम्पल लिखा है, है ना। इसको आपको क्या करना है, इसको घर में आपको रीड करना है और राइट करना है। रीड और राइट करने से क्या होगा, आपको अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस होगी, प्लस आपको ए ई आई ओ यू साउंड के जो वर्ड्स हैं उनके बारे में आपको पहचान होगी, आइडेंटिफाई आप कर लोगे और इसको लिख पाओगे। ओके, तो मैंने क्या किया है यहाँ पर, थ्री ही हर साउंड का थ्री वर्ड ही लिखा है। आपको क्या करना है, नंबर फोर फाइव सिक्स सेवन एट, पूरे ये पांचों का अलग अलग साउंड का अलग अलग आपको वर्ड लिखना है। ओके, आपको क्या करना है, अलग अलग वर्ड लिखना है, ये आपका होमवर्क है, ये क्लास वर्क है। ओके, तो ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, और इसको लिखने के लिए अगर आपको कोई परेशानी हो रही होगी बच्चों, अगर इसको आप नहीं लिख पाएंगे, आपको वर्ड्स याद नहीं होंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपकी बुक में, आपके पास बुक होगी ना, उस बुक में ये देखिए सीबीसी चार्ट है, है ना, ये जितने भी वॉवेल्स है उसके चार्ट है, पेज नंबर 62, पेज नंबर 62 में आप देखेंगे ये पूरे साउंड का चार्ट आपको दिखेगा, आप यहां से इसको लिख सकते हैं। ओके, तो आप इसको लिखिए, और लिखने के बाद मुझे होमवर्क सेंड कीजिए, और इसको बोलने की भी प्रैक्टिस करिए। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है बच्चों, आप इसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बाय बाय बच्चों।